हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे सेरेमिक कोटिंग के बारे में कि सेरेमिक कोटिंग होती क्या है और इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, इसकी ड्यूरेबिलिटी क्या होती है, आपको अपनी नई या फिर पुरानी गाड़ी पे सेरेमिक कोटिंग करानी चाहिए या नहीं। तो यह मल्टीपल क्वेश्चन जो हमारे पास आते हैं कस्टमर्स के थ्रू, सो आई एम आंसरिंग दैट ऑल इन दिस सिंगल वीडियो, कीप वॉचिंग। सो बेसिकली सेरेमिक कोटिंग होता क्या है? सेरेमिक कोटिंग इज अ मिक्सचर ऑफ सिलिका एंड सॉल्वेंट। सिलिका क्या होता है? सिलिका इज अ मेल्टिंग फॉर्म ऑफ ग्लास जिसको सॉल्वेंट के साथ मिक्स करा जाता है टू कीप दैट सिलिका इन अ लिक्विडिफाइड फॉर्म। तो सेरेमिक कोटिंग के बेनिफिट्स क्या होते हैं? सेरेमिक कोटिंग बेसिकली आपकी पेंट के क्लियर लेयर के ऊपर एक 2-3 माइक्रॉन्स की ग्लास लेयर प्रोटेक्शन बनाता है जिससे आपकी गाड़ी को एक अल्टीमेट शाइन मिलती है, एक माइनर स्क्रैचेस सोल मार्क से प्रोटेक्शन मिलता है, उसके ऊपर पानी रुकना बहुत कम हो जाता है, डस्ट पार्टिकल चिपकना बहुत कम हो जाता है। दीज आर द मेन बेनिफिट्स ऑफ सेरेमिक कोटिंग। मैक्सिमम कस्टमर्स का क्वेश्चन ये होता है, सर हमारी गाड़ी 2 साल पुरानी हो गई, अब हमें सेरेमिक कोटिंग करानी चाहिए या नहीं? सेरेमिक कोटिंग कराने का एक प्रोसेस होता है जिसमें फर्स्ट स्टेप होता है कार की बफिंग करना। बफिंग में बेसिकली जितने भी आपकी गाड़ी के सोल मार्क्स होते हैं, माइनर स्क्रैचेस होते हैं, वो सब कुछ क्लियर आउट करा जाता है, गाड़ी को एक न्यू कंडीशन फॉर्म में वापस लाया जाता है, उसके बाद सेरेमिक कोटिंग अप्लाई करी जाती है। सो यस, यू कैन ऑलवेज गेट योर कार सेरेमिक कोटिंग डन। और जो न्यू कार बायर्स हैं, आई वुड रिकमेंड देम कि आप एटलीस्ट विद इन अ वीक सेरेमिक कोटिंग अपनी कार पे जरूर कराएं ताकि आपकी कार की जो ओरिजिनल शाइन है वो मेंटेन रहे, आपके पेंट के ऊपर कोई स्क्रैचेस या फिर डलनेस ना आ पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कम अप विद व्हाट इज ग्रेफिन कोटिंग एंड व्हाट इज पीपीएफ एंड व्हिच वन इज मोर बेनिफिशियल फॉर यू। थैंक यू।